पुलिस विभाग में स्थायीकरण को लेकर आज जिला पुलिस कप्तान कार्यालय में 63 पुलिस कांस्टेबलों को 2 वर्ष का प्रोविजन काल पूर्ण होने पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। 2 साल की ट्रेनिंग अवधि के दौरान 63 नव चयनित कांस्टेबलों को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सहित विभिन्न थानों में तैनात कर पुलिस व्यवस्थाओं को संचालन का अनुभव करवाया गया है। प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया के बाद आज शुक्रवार को स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को जिला पुलिस कप्तान कार्यालय पर संपन्न करवाया गया। आज हमारे जो कॉन्स्टेबल्स जो भर्ती हुए थे, 2 साल से पहले जो भर्ती हुए थे, उनके 2 साल पूरे हो गए। एक सामान्य प्रक्रिया है कि इनके पास एक कन्फर्मेशन किया जाता है इनका, तो आज वो कन्फर्मेशन वाली स्थायीकरण वाली प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया की जा रही है। आज 63 कॉन्स्टेबल्स हैं जिनको कंसिडर किया गया है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। आज 63 आगे क्या देगा काम? बस ये एक स्थायीकरण हो गया है, एक प्रक्रिया है, इसके बाद जैसे भी है, जहाँ थाने लगाना है, लाइन में रखना है, अपना रूटीन में जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। सिर्फ एक टेक्निकल है कि इसके बाद ये स्थायी हो जाते हैं इस विभाग में। सर कितने टाइम की ट्रेनिंग? 2 साल का टाइम होता है, 2 साल के टाइम में सारी है, ट्रेनिंग भी आ जाती है, आपकी जो ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेन है वो भी आ जाती है 6 महीने की, उसके बाद थानों की है, शहर का थाना है, गांव का थाना है, ग्रामीण थाना है, और उसका पुलिस लाइन का है, एसपी ऑफिस का, इनका एक शेड्यूल बना हुआ है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग करेंगे, वो कंप्लीट हो चुकी है इनकी ट्रेनिंग, और उसके बाद काम कर रहे थे, लेकिन 2 साल के अवधि के पहले इनका स्थायीकरण नहीं किया जाता, वो प्रक्रिया उसमें कर रहे हैं।